हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि आप और भी इसी तरह की फ्री जानकारी प्राप्त कर सकें। अगर आप यूसी में हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को फॉलो करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कौवे के पंख से किए जाने वाले बहुत ही दुर्लभ प्रयोग। इससे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक लाभ आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, काफ़ी लोग पूछते हैं कि कोर्ट कचहरी में सफलता पाने के लिए आखिर क्या चीज़ करी जाए, या कोई परीक्षा अथवा कोई महत्वपूर्ण कार्य जिस पर आप चाहते हैं कि आपको निश्चित तौर पर सफलता मिले, या फिर आपको कोई दुश्मन परेशान कर रहा है और आप नहीं चाहते कि आप अपने दुश्मन के सामने हारें, तो इस प्रयोग को करने से आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। दोस्तों, दरअसल ऐसा होता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करता है परंतु फिर भी वह सफलता हासिल नहीं कर पाता। दरअसल कुछ चीज़ें व्यक्ति के हाथ पर नहीं होती, वह व्यक्ति के भाग्य पर निर्भर करती हैं, उसके कुंडली के ग्रह दशा के ऊपर यह चीज़ निर्भर करती है। तो ऐसे में दोस्तों, व्यक्ति बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है और इसका कारण उसकी ज़िंदगी पर भी असर देखने को मिलता है। न केवल वह परेशान रहता है बल्कि इससे उसके पूरे परिवार में भी एक अशांति का माहौल बन जाता है, घर में एक नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है तथा फिर उसके साथ बुरे ही परिणाम होते हैं। दोस्तों, इन सभी बुरी परिस्थितियों से बचने के लिए आज हम आपको ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको देखना है कि आपके घर के आसपास सबसे ज़्यादा कौवे कहाँ बैठते हैं। अगर आपके खुद के घर के छत पर ही कौवे बहुत ज़्यादा आते हैं तो यह अच्छी बात है। दोस्तों, कौवे को खाने के लिए कुछ दिन तक जरूर दें। अगर हो सके तो आप उन्हें मीठा खाने को रोज़ दें। ऐसा आपको लगातार 10 दिन तक करना है और 10 दिन में आप किसी भी तरह कौवे का एक पंख ले लें। कभी कभी ऐसा होता है कि कौवे के सफ़ेद पंख भी निकल जाते हैं और यदि आपको कौवे का सफ़ेद पंख मिल जाए तो यह बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि यह बहुत ही दुर्लभ माना गया है। दोस्तों, क्योंकि कौवा भगवान शनिदेव का वाहन है, अतः इस पंख को आप सबसे पहले किसी शनि मंदिर में जाकर शनिदेव के चरणों में रख दें। अगर आप यह काम शनिवार को करें तो भी अच्छा है। आप शनिदेव की पूजा कर ओम सन शनिचराय नमः इस मंत्र का 21 बार जप करें और उस सफ़ेद पंख को अपने जेब में डाल लें। जब भी आप किसी जरूरी काम के लिए निकले तो बस उस पंख को अपने जेब में डालें। आपका हर काम, चाहे वह जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड हो या कोई परीक्षा आपको देनी हो, आपको 100% सफलता उसमें मिलेगी। के अलावा यदि आपको कोई आपका दुश्मन परेशान कर रहा है तो इस पंख को आप अपने पास रख ले। आपका दुश्मन आपको परेशान करना तो छोड़, वह आपसे आँख मिलाने तक का भी साहस नहीं कर पाएगा। तो उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।